आज भी अगर जंगली शिकारियों की बात होती है तो सभी के जुबा पर बस एक ही नाम आता है, बाघ का। क्योंकि इस शिकारी को शिकार करने के लिए ना ही किसी साथी की जरूरत होती है और ना ही इस अकेले शिकारी का कोई बाल भी बांका कर पाता है। इस खूबसूरत से दिखने वाले भक्षक की सही चाल, रहन सहन का लहजा और शिकार करने का खूंखार तरीका कितना इम्प्रेसिव है। केवल पंजे के एक वार से अपने शिकार का खेल खत्म करने में इसे महारत हासिल है। आज भी जब जंगलों में जंगली बिल्लियां और हाथी जैसे जीवों की आपस में लड़ाई होती है तो पूरे एनिमल किंगडम में सन्नाटा सा छा जाता है। सबकी नजर इन्हीं की लड़ाई पर टिकी होती है। लेकिन जरा कल्पना करिए, इस तरह इतिहास में जब दो खूंखार जीव आपस में लड़ते होंगे उस वक्त नजारा कैसा होता होगा। क्योंकि आज के हाथी और जंगली बिल्लियों के झड़प को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन जरा सोचिए जब इनके पूर्वज आपस में लड़ते होंगे तो लड़ाई किस हद तक गंभीर हो जाती होगी। आज का ये वीडियो इन्हीं के पूर्वजों के बीच होने वाली लड़ाई पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाघों का पूर्वज सेबर टूथ टाइगर और विशाल मैमथ के बीच होने वाली घमासान लड़ाई में कौन विजेता साबित होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सेबर टूथ टाइगर को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आज से 10,000 साल पहले राज करने वाले इस जानवर की ताकत विरासत के तौर पर बाघों को मिली है, जिसके दम पर ये जंगल के किसी भी जीवों का शिकार करने में जरा भी संकोच नहीं करते। परंतु पुराने समय के नॉर्थ अमेरिका में अपना दबदबा बनाए रखने वाले ये शिकारी सबसे घातक मैमल्स हुआ करते थे। एक बड़े मुंह, बड़े शरीर, नुकीले पंजे और 8 इंच लंबे कैनाइन दांत के साथ ये किसी दानव से ज्यादा भयानक लगते थे। इसके लंबे दांत अक्सर शिकार के शरीर में खंजर की तरह चोट पहुंचाते थे। कई जानवरों को तो ये ऐसे ही मार डालते थे। शिकार खाने के लिए जब ये अपना विशाल सा मुंह खोलते थे तो बाकी जीवों के अंदर भी इससे मात खाने का डर बैठ जाता था। एक बड़े आकार के साथ ये प्रजाति वजन में 280 केजी तक पाए जाते थे, लेकिन इसके कुछ सदस्य का वजन 480 किलोग्राम तक पहुंच जाता था। वहीं बात करें मैमथ की तो ये आज के हाथियों के मुकाबले काफी विशाल होते थे। धरती पर इस विशालकाय प्राणी का अस्तित्व काफी पुराना है, परंतु ये लगभग 4000 वर्ष पूर्व धरती पर एग्जिस्ट करते थे। एक बड़ी सूंड के साथ उनके पास दो विशाल दांत होते थे, जो अगर किसी के शरीर में घुस जाए तो उसके बचने का सवाल ही नहीं उठता था। कुदरत ने इन्हें ठंडे इलाके में सरवाइव करने के लिए क्रिएट किया था। तभी इनके पास मोटी चमड़ी भी थी जो उन्हें कड़कते ठंड में भी नॉर्मल रखती थी। हालांकि मैमथ के पास ताकत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शाकाहारी होने की वजह से इनमें शिकार की कोई दिलचस्पी नहीं थी। केवल अपने दुश्मनों के खिलाफ इनमें दुनिया भर का गुस्सा देखने को मिल जाता था, जो खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते थे। सेबर टूथ टाइगर और मैमथ वैसे तो काफी कम ही आमने सामने आते थे, लेकिन जब भी इन दोनों प्रजातियों का युद्ध होता था तो ये लड़ाई एक महासंग्राम का रूप ले लेती थी, जो किसी एक की मौत के बाद ही शांत होती थी। रिसर्च बताती है कि अग्रेसन के मालिक सेबर टूथ खुद मैमथ से उलझने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन मौका मिलने पर शिकार के रूप में उन पर अपना हाथ जरूर साफ किया करते थे। पुरानी मिली कुछ हड्डियां बताती है कि इन दोनों जीवों में कई बार लड़ाई हुई है और सेबर टूथ टाइगर ने मैमथ को शिकार के रूप में खाया भी है। इसके अलावे आर्कियोलॉजिकल खोज को यूरोप और एशिया में ऐसी कई गुफाएं मिली है जहां हमारे पूर्वज रहा करते थे। उन गुफाओं के दीवारों पर बनाए गए चित्र हमें बताते हैं कि जब ये दोनों जीव आपस में भिड़ते थे तो इनकी लड़ाई को इंसान भी देखते थे। एनिमल किंगडम के बाकी जानवर इनके बीच लड़ाई से दूर ही रहते थे। इसके अलावा इनके बीच का घमासान काफी खतरनाक मोड़ ले लेता था, इसलिए इन दोनों जीवों की लड़ाई से इंसान भी दूर से ही देखा करते थे। और हमारे पूर्वज इस इंतजार में रहते थे कि कब ये जंगली बिल्लियां मैमथ को मार गिराए और आधे खाए शिकार को छोड़ दे, ताकि उससे ये इंसान अपनी पेट में लगी दावानाल को शांत कर सके। दोस्तों, इस लड़ाई में दोनों की खूबियों की बात करें तो सेबर टूथ टाइगर के निकले दो लंबे कैनाइन दांत किसी के भी खिलाफ एक धारदार हथियार के समान थे। इसके लिए 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार दौड़ने की वजह से वो मैमथ पर ज्यादा आक्रामक होकर हमला कर सकते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि करोड़ों साल पहले डायनासोर जिस जज्बे से लड़ा करते थे, कुछ ऐसा ही धुआंधार संघर्ष हमें मैमथ और सेबर टूथ के बीच भी देखने को मिलता था। जहां मैमथ खुद के बचाव के लिए दुश्मन को मार गिराने की कोशिश करते थे, वहीं सेबर टूथ का टारगेट अपना पेट भरना होता था। इस शिकारी सेबर टूथ के खिलाफ
मैमथ के पास इसका वजनीय शरीर और दो शक्तिशाली टस्क होते थे। 14 फीट ऊंचे ये जीव वजन में 6 से 10 टन भारी होते थे। अगर गलती से भी सेवर टूट इनके नीचे आते तो उसकी चटनी बन सकती थी। और केवल सेवर टूट ही नहीं, जंगल के बाकी अन्य दुश्मनों के खिलाफ भी ये अपने वजनी शरीर को अपना हथियार बनाते थे और हमला कर सकते थे। वैसे ये बात भी 100% सच है कि सेबर टूट की आक्रामकता मैमथ के मुकाबले ज्यादा घातक होती थी। कभी कभी ये झुंड में मिलकर मैमथ पर धावा बोलते थे, लेकिन ऐसे ज्यादा मामले सामने आए हैं कि दोनों के बीच की लड़ाई अकेले की होती थी। पुराने साक्ष्य बताते हैं कि सेबर टूट एडल्ट मैमथ पर हाथ साफ करने के बजाय उनके बच्चों पर अपनी किस्मत आजमाते थे, क्योंकि बच्चों पर हमला करने पर किस्मत भी सेबर टूट का ही पक्ष लेती थी। लेकिन ऐसे भी कई मामले सुनने को मिलते हैं कि भूखे होने पर ये एडल्ट मैमथ को भी मारकर गिरा दिया करते थे। परंतु वैज्ञानिकों की माने तो एक एडल्ट मैमथ को मारने की ताकत किसी के पास मौजूद नहीं थी, क्योंकि इसके विशाल आकार के कारण अन्य शिकारी भी इसके आसपास भटकना पसंद नहीं करते थे। वैसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि एक अकेला सेबर टूट एडल्ट मैमथ को कैसे मार गिरा सकते हैं, उन्हें मारने के लिए ये कौन सी विशेष खूबियों का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, इन दोनों के बीच की ताकत की तुलना करें तो मैमथ के पास न केवल एक बड़ा शरीर था बल्कि एक बड़ी सूंड भी थी। ये अक्सर शिकारियों को अपने सूंड से उठाकर कई मीटर दूर फेंकने की ताकत रखते थे। सेबर टूट टाइगर के साथ भी ये यही रणनीति अपनाते थे और कई बार ये जीत भी जाते थे। लेकिन बाकी बिल्लियों की तरह ही चालाकी दिखाते हुए सेबर टूट पीछे से झपटने की कोशिश करते थे। मैमथ पर अपनी पकड़ बनाने के लिए अक्सर वो अपने बड़े पंजों को भी इस्तेमाल में लाते थे और इसके मांस को फाड़ने की खूब कोशिश करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार मैमथ के विशाल दांत बड़े होने के साथ साथ ये भी क्षमता रखते थे जो एक हमला करके सेबर टूट को फाड़ कर रख सकते थे। हालांकि ये मुड़े हुए होते थे, लेकिन सबूतों की माने तो ऐसे कई जीव बरामद हुए हैं जिसकी मौत की वजह ये मुड़े हुए दांत ही होते थे। वहीं लंबे नुकीले दांत की एक जोड़ी हमें सेबर टूट के पास भी देखने को मिलती है। इनके दांत लंबे होने के साथ साथ मैमथ के दांत के मुकाबले ज्यादा सीधे पाए जाते थे, लेकिन विज्ञान की माने तो इनके केनाइन दांतों में वो क्षमता मौजूद नहीं थी कि वो एक मैमथ के मोटी चमड़ी को पूरी तरह से फाड़ सके। उल्टा ज्यादा ताकत लगाने पर इसके दांतों के ही टूटने की ज्यादा संभावना होती थी। फिर जरा सोचिए कि आखिर ये उन्हें कैसे नीचे गिराते होंगे। दरअसल इसका जवाब आज की जंगली बिल्लियों में देखने को मिलता है। सीधा हमला करने के बजाय सेबर टूथ रात का इंतजार करते थे। शेर की तरह एक नाइट विजन का मालिक होने की वजह से ये मैमथ को चकमा देते थे। जब उन्हें कुछ खास दिखाई नहीं देता था तो ये रात को पीछे से हमला करके उन्हें अपना शिकार बनाते थे। इनके पास एक सोची समझी रणनीति होती थी जिसके तहत ये मैमथ को पता भी नहीं चलता था कि हमला किस दिशा से हो रहा है और खुद को कैसे बचाना है। ऐसे क्रूर रणनीति के खिलाफ मैमथ का संघर्ष फीका पड़ जाता था। आपने इस बात पर भी गौर किया होगा कि ऐसे ही रणनीति और काबिलियत आजकल के वाइल्डकैट में भी देखने को मिलती है। इस वीडियो में शेर का ग्रुप हाथी के साथ ऐसा ही करता दिख रहा है। आज के बिल्ली के कई फीचर्स सेबर टूथ से मेल खाते हैं, जबकि असल में ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार नहीं हैं। कई लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि शेर और सेबर टूथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सेबर टूथ आज की बिल्लियों जैसे फीचर्स रखने के बाद भी उससे काफी अलग और काफी ज्यादा खूंखार हुआ करते थे। एक बड़े शरीर के साथ ही ये शेर से इसलिए अलग थे क्योंकि ये शेरों की तरह परिवार बनाने में विश्वास नहीं रखते थे, जैसा कि गुण हमें आज के बाघों में देखने को मिलता है। लेकिन ये बाघ से भी थोड़ा इसलिए अलग थे क्योंकि इसकी पूंछ बाघ के मुकाबले काफी छोटी पाई जाती थी और इनके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बाघ के मुकाबले ज्यादा होती थी। और वैज्ञानिकों की माने तो सेबर टूट का यही लचीलापन इसे मैमथ के कई हमले से बचने में इसकी मदद करता था। सेबर टूट जब भी शिकार किया करते थे तो पहले ये मैमथ को पूरी तरह से थका देने की कोशिश करते थे। जब मैमथ पूरी तरह से थक जाता था तब ये बिल्लियां मैमथ के कमजोर या नाजुक हिस्से पर झपट्टा मारते थे। थके होने के कारण मैमथ भी इस हमले को रोक नहीं पाता था और संतुलन बिगड़ने पर धरती पर धराशायी हो जाता था। और सेबर टूट की यही रणनीति और चालाकी इसे दूसरे जीवों से काफी अलग बनाती है और इसे शिकारी से प्रो शिकारी का खिताब भी इसे इसकी सूझबूझ बनाती है। इसी वजह से ये अपने से विशाल मैमथ का भी शिकार कर लिया करते थे। वैसे इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिखें।